नानी थी। साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वो किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती थी। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसके अभी आंखें भी नहीं खुली थी। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी ही नहीं होती। वो उसके लिए बाजार से बहुत सारी टोकरियाँ देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद ही नहीं आती। वो मायूस हो जाती है और घर वापस आ जाती है। तभी उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। ये कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के पंडित जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, पंडित जी क्या ये टोकरी मैं ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब साक्षी वो टोकरी लेकर घर आ जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में रखती है, वो इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टोकरी के बाहर आता है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालकर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए दूसरी टोकरी तैयार कर लेती है। और जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन साक्षी का पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और बाकी जानवरों से बात करते हुए देख लेता है। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वो जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वो बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भाग कर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, तुम सब इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई? वो उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मैं तुम्हारे जानवरों की चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। म्याओ। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। मुनिया अभी सिर्फ 10 साल की ही थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उसमें ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा
अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है, लेकिन घर जाती ही चाची उससे बहुत काम कराती है और कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत ही दुखी थी और अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। मुनिया अक्सर रोया करती थी, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारों को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है, और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से मुनिया की माँ बात कर रही थी। और अचानक उस सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ आप? हाँ बेटा मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यही हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वहाँ से आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्दी से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं और मुनिया से पूछते हैं, मुनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं और उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है और मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मुनिया के कपड़े जलाती है, वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लाकर उनकी आग को बुझा देती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया से कहती है, मुझे माफ कर दो मुनिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। और मुनिया को अपने गले से लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि ये सब सितारे ने किया। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छा है। चाची मुनिया से बहुत प्यार करती है और अब मुनिया अच्छे से रह रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे मुनिया की चाची करती है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। और अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नानी थी।